सोनू टैक कैसेट। कट खानी या चाल तेरी सुबह से सामने यूं लगा रहेगा कि मुझ उड़ावेगी। कट खानी या चाल तेरे सुनाई ना दे रहा मैं क्या कह रही। अरे ये बकवास सुन गई तेरी। जब इतनी जोर जोर से रो रही सुनेगा तो तुझे मेरी बकवास भी सुनाई देगी। सुबह सुबह बकवास ना कर करे और सॉरी बोल। और तू क्या कह रही। एक खाली चाय पी रखी रोटी देने तो गई। यहाँ भाषा जा 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 रही। भाषा ना दू तो और क्या करूँ। सारा दिन गांव में जासूसी करता फिरा जा, गांव में हांडता फिरा जा। आज लग तूने कुत्ते का बिल्ला भी पकड़ा। अरे तत 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 एक बात बताऊँ। जीवते तू नौटंकी मेरे आई, मेरी शांति भी खुशगी। तेरी शांति खुशगी मेरी शांति भंग होगी तेरे साथ ब्याह करके। तो तू एक काम कर, किसी और से ब्याह कर और अपनी शांति ढूंढ लिए हूं वहीं पर। हाँ मैं दे बकस। एक बार सुन ले कान खोल के, मेरी उम्र है 20 साल। मेरे लारे तो कोई भी ब्याह कर लेगा पर तेरे लारे लंगूर के साथ कोई ब्याह ना करने का। अरे तेरे कौन जीते तो वो तो जीत सके जो टांग उठा के और मुंह मुंह के साफ जा। परी तू बताते थे रोटी देनी नहीं। देवर लगी जे जाके मुंह हाथ धो ले। Thank you.
हाय हाय नाच पिटे तेरे दिदे फूट गए, तुझे दिखाई ना दे रहा, अंधा हो रहा बिल्कुल। यह मेरी गलती ना, और मैं खमा खा फंस के मुंह लगता डंडा पकड़ के। हाँ मैं तुझे आफत दिखाई दे रही, अपने आप को खैर भला दरोगा ना समझिए। हाँ वो तो मैं हूँ बहन जी, ये दरोगा जी गलती ना है, ये मेरी गलती है। दरोगा जी मेरे से टकरा के मैं दरोगा जी से टकरा गया। साले ये आवाज आज ले कहाँ जा रहा? राम भाई क्या क्या इंतजाम है? प्रधान जी इंतजाम तो सारा बढ़िया कर दिया जी थारे मुंह में। प्रधान जी अगला इंतजाम देख लो जी, तो दिखा। ये तो वार्ड नंबर 1 है जी थारे मुंह में, जो वार्ड नंबर 2 है जी थारे मुंह में, अब उड़े को आगे ये वार्ड नंबर 3 है जी थारे मुंह में, यू गार्ड नंबर 4 है जी, और सारी कुफिया पुलिस लगा रखी है जी तारे मुंह में। और क्या क्या इंतजाम कर रखे तूने? इंतजाम तो मैंने सारे भरपूर कर रखे है जी, तुम चिंता मत ना करो जी। गांव वालों को असली के तो दर्शन करवा दे। प्रधान जी मैंने तो असली इधर रखे है जी, आज शाम ही थारे मुंह में। शाबाश, तो मुझे तेरे पे पूरा भरोसा है। प्रधान जी इंतजाम पूरा कर दिया जी थारे मुंह में, देखो कैसा इंतजाम कर रखा। देख लो जी। ये कैसा इंतजाम है तेरा? प्रधान जी देवरात की इबादत के लिए इंतजाम करे जी सारे थारे मुंह में। राम राम प्रधान जी। राम राम दरबार, क्या हाल है? हमें खबर मिली तुमने हीरो की नुमाइश लगा रखी डंडा पकड़ के। डंडा पकड़ के? तेरा दिमाग खराब हो रहा है क्या? पकड़ रखा मैं? प्रधान जी तुम समझे नहीं डंडा पकड़ के। प्रधान जी दरोगा जी का तो ये तकिया कलाम है जी थारे मुंह में। अरे मैं तो तेरे से दुखी था, यो हरान सिर पे चढ़ गया। अजी प्रधान जी तुम अपनी कीमती चिज्जू की नुमाइश बंद कर दो डंडा पकड़ के। अरे क्यों लगानी बंद कर दो नुमाइश? प्रधान जी दरोगा जी का कहने का मतलब यू है जी, अग जो झपट्टा मार गिरो घुसिया आज आपके मुंह में। ओए अरे बकवास रे, नहीं तो साले के मुंह में खलबा दे दूंगा। अजी यू सही कह रहा, जो झपट्टा मार गिरो थारे सामान को उठाकर ले गया, तमर थारे आदमी लगाते रह जाओगे डंडा पकड़ के। दरोगा जी इस बात तुम बेफिक्र रहो, झपट्टा मार गिरो को तो पकड़ के हम ही लटका देंगे थारे मुंह में। हिफाजत का पूरा अंजाम कर रखा दरोगा जी। पहले हम चेक करेंगे डंडा पकड़ के। पकड़े तुम पीछे को जाओ थोड़ी से। प्रधान तेरी ऐसी की तसी मरवा दिया होता। बदर होगा जी एक बात बता, अब तो तुझे विश्वास हो गया होगा, झपट्टा मार गैंग जिंदगी में नहीं आ सकता तेरे मुंह में। ठीक है ये मजा देते आता है, मजा पकड़ के ले चलो। सरदार मुझे तो 50 रुपए चाहा। 50 रुपए? 30 रुपए बनियान खरीदने को तो है ना मेरे पास, पिछले 1 महीने से खाली बैठे और तुझे दे दूं 50 रुपए? ऐसे कुकर काम चलेगा? किसी की जेब काटे तो पैसा नहीं मिलता, किसी के घर में डाका डालना है तो सामान नहीं मिलता। सामान कहाँ से मिलेगा? ये गांव वाले शहर वालों की ढाल होशियार हो गए, अपना सारा कीमती सामान सारा पैसा बैंक में डाले हुए, और रही सही कसर इस एटम ने पूरी कर दी। सरदार एटम ना, एटीएम कह रहे एटीएम उसे। हाँ हाँ वही ससुरा है, ससुरे में इतना सा कार्ड डाल ले और जितने चाह पैसे काट ले, कोई ससुरा 100-200 से लेकर ऊपर चलता ही ना। सरदार मारी तो भुक्के मरने की नौबत आ गई।
सरदार मुझे तो कल को पैसे चाहिए, मेरी घरवाली का बालक होने वाला है। तू अपनी पैपे बंद कर है, मुझे दे। पिछले एक महीने से तुमने 100 रुपए भी कमा के दिए और मैं तुम्हें पाल रहा। सरदार सरदार सरदार, अबे क्यों आ रहा, कहीं कुत्ते बिच्छे पड़ गए क्या? ऐसी खबर लाया जिसे सुनकर तुम बंदर की तरह उछल पड़ोगे। ऐसी क्या खबर लाया गोबर के ढेर? कानून बोला कल प्रधान गया है, रवि बारिश है। अबे भैरव समझ रखा है क्या? लेकिन खबर खबर तो काम की ला है। अब देख रहे तुम झपट्टा मार गिरो का कमाल। आज रात ही हम प्रधान के घर डाका डालेंगे। चलो चलो, अबे मुझे तो ले लो। अरे भाई ऐसा हार तो मैंने कभी ना देखा। अरे विलायती लगाया मुझे तो ये। अरे भाई प्रधान जी के पास इतना पैसा है, इतना पैसा तो 56 गांवों में बिना मिले। बात तो ठीक कही। राम राम प्रधान जी। और ठीक ठाक तो है? हाँ जी ठीक चल रहा है। बढ़िया जी बढ़िया। चलो बहुत अच्छी बात है। बकवास बंद कर, माल बता कहाँ है? माल? हाँ, माल कैसा हो? हाल कहाँ है हाल, जल्दी निकालो। अरे भाई तू पहले से काले मोहनी को प्रेगो कर दिया। ऐसा है आवाज निकलने का, वरना तेरी खान खोपड़ी सारी बाहर काट के गिर दूंगा। जल्दी हाल बता कहाँ है। कहाँ जल्दी कहाँ, मैं निकालने नहीं, जल्दी जल्दी निकाल। जल्दी कर माल निकालो जल्दी से। ये भाई जो पूछे जाओ उधर तो सो जा। हेलो हेलो हेलो, राम राम कुशवाहा साहब। राम राम, कौन बोल रहा है आंख बंद करके? अजी मैंने तो अपनी खोल रखी है, तुम तो अपनी आँख खोलो। अरे पहले मुझे बता कौन बोल रहा? अजी मैं तो प्रधान जमेला सिंह बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, प्रधान जी बोल रहे आंखें बंद करके, क्या हो गया? अजी हाँ तो सारा गड़बड़ हो गया। ऐसा क्या हो गया आँख बंद करके? अजी कमिश्नर साहब, हमने अपने पुश्तैनी जेवरात की नुमाइश लगा रखी थी और वो झपट मार गिरोह आके सारा झपट के ले गया, और वो जेवरात जो है ना हमारी इज्जत है, और उनको आप कहीं से भी ढूंढ निकालो। प्रधान जी हमें रपट मिल गई आँख बंद करके, और हमने एक जासूस उस गिरोह के पीछे लगा भी दिया आँख बंद करके। तुम चिंता ना करो, वे बहुत जल्द पकड़े जाएंगे आँखें बंद करके। अजी तुम जल्दी करो, कभी कहीं वो दूर ना निकल जाए। ठीक है ठीक है, आपके जेवरात
आपको जरूर मिलेंगे आके बंद करके। जय हिंद। उसे घर को चार से बुला के लाओ। ठीक है। ठीक है तू चल और मैं आया। ठीक है जल्दी आ जाइए। Yeah.
अरे बेटा क्यों रो रहा? मेरे माँ बाप खो गए, मेरा कोई नहीं है। माँ बाप खो गए? अरे बेटा चिंता मत मान, आज ते हम तेरी माँ और हम तेरे बाप और हमारे भी को कोई औलाद ना। अरे मेरी गैला कमिश्नर साहब ने भेजा, मैं गोलू जासूस को बुलाने जा रहा हूँ। गोलू जासूस को बुलाने? तो ऐसा काम कर, गोलू जासूस को तो मैं बुला ले। माँ तू यार एक कोवेलिया, पहले पैसे तो दे दो। अरे पैसे होते तो मैं अपने आप ने ले आता, पहले तो दिए ही ना हमें अब लो। अरे यार तनख्वाह मिल जाएगी दे दूंगा, चल लिया दोनों भाई बैठ के पी ले गए। अच्छा जा रहा हूँ तो। अरे इसका ध्यान रख के यही पियेंगे दोनों बैठ के। अरे तू गलत समझ रही, इसके माँ बाप खुगे अरीब यू यही रहेगा। मन्ने क्या धर्मशाला खोल रखी जो तू यहाँ ले आया? तने कमा के धर रखा है यहाँ से कुछ? इसे राड़ को लिया मेरी छत्ती पे। अरे अमावस की रात देख के, 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 के कितना प्यारा बाबा बच्चा। ओए होए अपना मुंह बंद रख, कभी तुझे यहाँ से बाहर जाना पड़े। अरे हमने तो कर लिया बंद है। अरे तू किसका है और तू उसे कहाँ तक आ गया? मैं सड़क पर रो रहा था तो अंकल ने कहा आओ मेरे साथ चल। जासूस अंकल ने नूका मेरे घर चलो। खैर तू चिंता ना कर, तू यही रहिए, मेरा जीव लगा रहा करेगा और मैं तेरी माँ जैसी हूँ और आते इसके बाप जैसे हम हैं। तू अपना मुंह बंद रखा कर, चल इसे लेकर भीतर चल, मैं इसके पीने खाते दूध लाऊं। मैं जानता लग रहा रहा देखी ना को पार्टिसिप। ओ गोलू इब कौन आ मरा गोलू गोलू करता करता। गोलू राम राम जी, डंडा पकड़ के। ओ तू है, तू यहाँ क्या लेने आया? तमन लेने आया मेरा मतलब है गोल्लू को लेने आया डंडा पकड़ के। अंदर काम घुसा जा रहा, यहाँ ना गोल्लू गल्लू ना है ये भी तो मुझे बैर बताओ घर भी आया। तुझे जो कहना डर तक है। अरे वो तेरा काम ना। मतलब कहाँ चल दिया? सुन तो सही लेकिन मुझे भी तो पता होना चाहिए कि क्या काम है तुझे उससे। अरे जट्टमार की रोबू पकड़ने के लिए हमें उसकी जरूरत थी डंडा पकड़ के, इसलिए तो बुला कमिश्नर साहब ने उसे डंडा पकड़ के। उससे चिड़िया का बच्चा नहीं पकड़े जाता, भला झपटा मार घिरो क्या पकड़ेगा। लेकिन फिर भी इस काम के पैसे कितने मिलेंगे? जो तुम कहो डंडा पकड़ के। मेरा मतलब है यह बात तो कमिश्नर साहब भी बता सके, फिर भी मैं उसे उस काम के 101 रुपया दुआ दूंगा। क्यों उन्हें कहते हैं शराब करना है? अरे के रुक कर दौड़ा आयु पकड़ में। अरे तू, अरे कर्मूबिया नू बता दे तू के लेने आया यहाँ। अरे सड़ी थोपड़ी का तेरे कमिश्नर साहब ने बुलाओ। अरे कमिश्नर मुझे लड्डू देगा के
अरे प्रधान के वहाँ हीरो की चोरी होगी, नू बुलाते हैं कमिश्नर ने। ओ भाई हमारे घर की तरसी, हमने किसी के हीरे पीरे खीरे न चुराए। अरे हमें पता किसने चुराए, जब तमार गिरो ने चुराए तो जब हूँ बुलाया। चल तो फिर चल। बेटे गोलू ने एक काम तो बढ़िया करा, जो तुझे यहाँ लिया, नहीं तो सारा दिन मुझे डंगरों की गैल सिर मारना पड़े था। आंटी गोलू अंकल कहाँ गए? बेटे तुझे क्या बताऊं, इस गोलू की गैल ब्याह करके तो मैं पछता रही। मेरी तो किस्मत फूट गई किस्मत, सारा दिन पता नहीं कहाँ कहाँ जासूसी करता फिरो जा। कभी कभी तो मेरा जी नू करा है कि इस गोल्लू को भी डंगरों की लारे बांध दूं। यार गोल्लू जासूसी ताजा करनी है जरूर, पर भेष बदल के चलेंगे अपने घरों। अगर मेरी बहू ने मैं पहचान लिया तो मामला गड़बड़, नहीं पिछाना तो हम गोल्लू जासूस तो है ही। अब चलते हैं अपने घरों, देखते हैं क्या होता है।
डार्लिंग डार्लिंग तो वो सुन हम तो तेरे गुलाम है। अरे चंटू, अरे चंटू देखे कौन आ पड़ेगा हमारे घर में। अरे चंटू कहाँ रह गया तू? क्यों हो गया पुप्पी, क्यों रुक के ता रही तू? देखे हमारे घर में कौन पड़ गया यू? अरे हमें बाबा पृथ्वी सिंह दुल्हन जी के। अरे यू जो डालिंग डालिंग क्या करने मेरे कोड़ा कोड़े बढ़ ली। अच्छा रे साला की भी गड्डुआ बदमाशी, मन ने भी बकरियों का खूब दूध पिया चुरा चुरा के। इतनी हम साले को अपने जोर तो ये साले क्या कर रहा है तू? अरे बच्चा, अरे बच्चा, अरे बच्चा, अरे बच्चा, अरे बच्चा, अरे बच्चा, अरे पुप्पी भयो पुप्पी बकरियों की क्या तो झंडू को दे काट और ना इससे सारे को कोलूंगा फिरवाई दूंगा। मुझे मेरा चाचा थाई शरण में छोड़ गया था और नू कह रहा था अब तेरा फुप्पा तुझे पुलिस में भर्ती करा देगा। अरी बुआ कह दे फुप्पा को करवा देगा पुलिस में। इसे दस फेरी का इसे पुलिस में भर्ती करवा दे पर इसे सुना कब ना। अब तू जोकी के कपड़े पहन रहा कहां जान लग रहा। गुड खेसर सोते से टट 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 करे इब तो जरा हम अपने काम अरे झंडू को और तजे आके देखूंगा। हाँ हाँ देख लिए जी मर्जी होगी जीप देख लिए। मैं तेरे साथ डरने वाली नहीं हूँ, मैं भी सहारनपुर जिले की हूँ। हाँ तो मैं भी शेखपुरी का हूँ तुझे देखूंगा। आ आ आके सेंचुरी होने में एक की कमी रह रही। अरे वो तो मैं थारे बता किसी को मार का पूरी कर दूंगा। मेरी नजर में तो मक्खी हो। जाओ साबा, उठ जाओ। आइए हवलदार साहब, हमें रिपोर्ट लिखवानी। मेरा नाम है हवलदार ऐसा वैसा। मैं इससे के मतलब हमें बस अपनी रबड़ लिखानी है। तो मैं रबट में के लिखवाना? हवलदार साहब मारा जक्कत रल गया। अरे क्यों रल गया? तू रहे था? क्या बताऊं जी, मार्केट में कुछ खरीदारी करन गए थे, बस वहीं रल गया। भाई युक्त का वाक्य है कल शाम 6 बजे का। और तो भाई पहले इनके तिंगा ढूंढे सीधे थाने में चले हमें। ये बात तो तुम ठीक करे पर तुम काम के करो। हम दोनों फिल्मों में काम करे है। फिल्मों में काम करो? मेरा भी बड़ा शौक है जी फिल्मों में काम करने का। मेरी भी किस्मत खोल दो। तुम पहले मारी रपट तो लिखो। रपट तो मैं अपने आप लिख लूंगा जी। तुम बच्चे का एक फोटो दे दो बस। फोटो? फोटो तो अभी ना है हमारे पास। कोई बात नहीं जी, तुम मुझे अपना नंबर लिखवा दो, मैं थारे दर वही शूटिंग पे आ जाऊंगा और मेरा शौक पूरा हो जाएगा, शूटिंग भी देख लूंगा और एक कप चाय पी लूंगा। हवलदार साहब बच्चा मिल तो आप मुझे खबर कर दियो। एक काम करो आप मेरा नंबर लिख लो 9810440995। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। तुम बेफिक्र होगा अपने घर चले जाओ और मॉल से शूटिंग करो।
मैं थारे बच्चे को ढूंढ कर थारे घर पहुंचा दूंगा जी। हवलदार साहब, हम ढेर उम्मीद लेकर आए थे। अजी तुम बेफिक्र रहो। अजी मन ने तो पहले कहे था अब चौकस रहियो डंडा पकड़ के। यार चुप रहो दरोगा जी, अरे तो हार चोरी होगा। प्रधान जी, इसे दरोगा को तो झपट्टा मार गिरो की तलाश शुरू कर देनी चाहिए जी आपके मुंह में। मैं रुकू, तेरा मुंह भी मैं बंद करता हूँ। अजी प्रधान जी, तुम घबराओ ना, इब मा आ गया। दो दिन के अंदर थारा माल मेरे दौरे, मेरा मतलब है थारा माल थारे दौरे पहुँच जाएगा और मैं उस झपट्टा मार गिरो को पकड़ के साल को सहारनपुर जेल में भेज दूंगा डंडा पकड़ के। मेरा नाम हवलदार ऐसा वैसा है। ऐसा वैसा के जी थारे मुंह में? ऐसा वैसा, ऐसा वैसा के है जी थारे मुंह में? पूरा को आप बताऊंगा। ऐसा वैसा आई सिमंज में, आगे जी सिमंज में थारे मुंह में। सलाम वालेकुम कन्नू भाई। वालेकुम अस्सलाम। हमारा सरदार झपट्टा माल, हम तो तुम्हारा इंतजार कर रहे थे पांच छह बात के। मेरे इंतजार में लगे माल चोरी का तुम्हें पता लगी गया। कल्लू कबाड़ी नाम है मेरा, पांच छह बात के चोरी होते ही बता दूं, चोरी हमारे आदमी ने करी, किसी गैर आदमी ने करी। भाई कबाड़ी, कबाड़ी ना कहती, मेरा पूरा नाम लेकर बोल, कल्लू कबाड़ी, वरना जाने तो मेरे गुस्से को। अरे कल्लू भाई, तू की बात बंद कर, ला माल निकाल। माल निकालो, ये लो माल। अब हमें होशियार रहना पड़ेगा, प्रधान ने हमारे पीछे गोलू नाम का जासूस लगा रखा है। अरे हम ना डरते गोलू वोलू से, तुम जाओ और मजा करो, दो तीन दिन में मैं इस माल के पैसे बढ़ा लूंगा और उस गोलू का कोल्लू में पिलवा दूंगा पांच चबा के। मजा आ गया पांच चबा के। हेलो अम्मा, हेलो, तुझे भी सूंग आ गई क्या पवन लाल? अरे मेरे पवन लाल, मिल जाएगा माल पर पहले भाव तो तय कर ले। हाँ, अरे माल तेरा, मैं अभी बोड़े सरदार को भेज रहा हूँ, इससे माल ले लेना और पैसे भी इसे दे देना पांच छह लाख के। अच्छा अच्छा, फोन रखता हूँ। लो भाई, माल आया नहीं और गाहक भी आ गए, तुम समझ तो गए होगे। जो माल लेकर पवन सेठ के पास चले जाओ और उस पर पैसे लेकर मेरे पास चले आओ। माल लो। अच्छा कल्लू भाई, हम अभी गए और कभी ना आए, मेरा मतलब है अभी आए। अब आओगे मजा। प्रधान जी, दो दिन हो लिए, कमिश्नर साहब की कोई खबर नहीं आई थी, अब लो आपके मुंह में। प्रधान जी राम राम। हाँ भाई राम राम, गोल्लू जासूस। प्रधान जी एक बात बता सकते हो, थारा हार कहाँ से चोरी हुआ और किसने चुराया, खुद बता सकते हो नारा पकड़ के? अरे भाई, इस मेज पर तो चोरी हुआ और झपटा मार गिरौना करा चोरी। तो एक बात बताओ, वो हार खुला रखा भी आता, अब खुद इंतजाम कर रखा था नाड़ा पकड़ के? इंतजाम तो पूरा कर रखा था, पर भाई धरे का धरा रहेगा। प्रधान जी, इन्हें भी दिखा दो सारा इंतजाम। तो एक बात क्या है जी, तब एक मिनट को ये सोच लो, इस मेज पे हार धरा और तुम उसे ठाने की कोशिश करो, तब इंतजाम का पता भी चल जाएगा जी। इसमें कौन सी बड़ी बात है?
देखा प्रधान जी, ये जाम थरा बहुत बढ़िया है, खुश की आ रही पानी पिलवा दो। गोल्लू हाँ जी, मेरा नाम तो हमने बहुत सुना जी, पर बा हम तो जित जाने जो तुम्हारे जेवर दुआ है। प्रधान जी यू तो मेरे बाएं हाथ का काम है, और तुम देखते जाओ मेरे कारनामे और नारा पकड़ के। दादू तुम्हारी एक बात सुन ले, जो तन्ने हमारा यू काम कर दिया ना, तो हम तो तुझे एक धड़ी तो गुड़, दो ढाई किलो शक्कर और भाई एक डेढ़ किलो देसी घी दे देंगे तेरे मुंह में। राहुल का बच्चे तन्ने में मेरा मुंह कुटा सब क्या मरे सुसरे, तो इसका मुंह हत्ती का मुंह मान लगे। मैं गोलू मैं तो इसकी बात का बुरा ना मान। प्रधान जी ठीक है, इब तो रहना चल, अब मुझे काम है बहुत। मैं कहाँ घूम रहा भाई, मैं कहाँ जाऊँ था भाई, कल्लू कबाड़ी का नलका बिगड़ गया, उसे लाऊँ था बुलाकर मिस्त्री को। तू है बेवकूफ, मारे थे बढ़िया मिस्त्री मिलेगा कौन, तू तो चल घरो और नलका ठीक करेंगे हम। ठीक है भाई, तू नलका सही कर, मैं अपनी बीड़ी माचिस लाऊं। नलका तो नलका, मैं कल्लू कबाड़ी को ठीक कर दूंगा, उसके परिवार को ठीक कर दूंगा, और हीरे जवाहरात का तो मुझे खोद तो निकालनी है ही है। चल गल्लू, सो दे दाता तो ले राम का नाम। अरे कल्लू भाई है के, अरे भाईजान कौन हो तुम, यहाँ क्या करने आए हो? अजी मैं नलके का मिस्त्री हूँ, सारा नलका ठीक करने आया, और नारा पकड़ के। नारा पकड़ के? किसका नारा पकड़ के? अजी मेरा कहने का मतलब है हाथी 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 पकड़ के। अच्छा तो कल बुलाया था, आज आया है, चल बोरा महाना नल। कल्लू भाई तुम एक काम करो, इसे कर दिमाग ठीक और तुम करो ज्यादा आराम। इस नलका को बिल्कुल ठीक कर दिया पान चबा के। हाँ सामान तो पाया नहीं, थोड़ा सा आराम तो कर ही ले। अमा तू तो नलका ठीक कर रहा था, क्या बैठ के क्या कर लिया है? अजी मैं ना कब करा तुमने, मैं तो थोड़ा सा आराम कर रहा था। नलका ठीक करना रहा, यू गोल्लू जासूस है? अच्छा अमर, अमर करीना बेगम, अरे आज ये पकड़वाई है तो चोर है, पकड़ो 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 पकड़ो।
रज्जवाबी और रज्जवाबी क्यों चिल्ला रहा है गाड़ी के भोपू के ढाल के हो गया तेरी भैंस बीमार होगी के भाभी मेरी भैंस बीमार ना हुई फिर क्या हो गया वो मैंने गोल्लू देखा सड़क पे भागता आया अरे एक आदमी का पीछे पीछे मारन को दौड़ रहा था हे भगवान मैं तो नाक पिटते से तंग आ गई पता नहीं सारा दिन कहां कहां धक्के खा रहा किस किस से छिटता रहा मर जा भाभी तू गोल्लू के पीछे जाके देख जो कहां जा क्यों पिटता फिरे जा सही कह रहा है तू मेरा काम कर दे क्यों ना भाभी बता क्या करना तू मुझे अपने घरवाले का बुरखा ला दे अच्छा फिर मैं जासूस की जासूसी करूंगी कहां कहां धक्के खावे सारा दिन मैं तो भाभी अभी गया ना अभी आ रहा तू तावड़ा जा अब आ लिया गोलू मेरा रक्षा चोरी करके भाग गया मैं जा रहा थाने रिपोर्ट लिखाने बेटे ले तो जाती पर मैं तो यही गांव में ही जा रही तू एक काम करिए तू यही कमरुद्दीन के जातों के साथ खेलता रहिए है ना मैं तो जल्दी आ जाऊंगी रज्जवाबी ले भाभी यू ले बुरखा हाँ यू काम तने बढ़िया करा ये बावे का मजा ये देखिए उस गोल्लू का ढोल में कैसे बजाती हिंदुस्तानी इसमें नाड़ा है जापानी इसमें देखे सभी जवान बालक बुड्ढे और जनान मेरा कच्चा हिंदुस्तानी इसमें नाड़ा है जापानी इसमें देखे सभी जवान बालक बुड्ढे और जनानी मेरा कच्चा हिंदुस्तानी
मिल तो ही करूं तलाशी, मिल तो ही करूं तलाशी, सिर फोड़िया मार झपट्टा, खत्म करूं बदमाशी, खत्म करूं बदमाशी। मेरे भीतर इतना जोश, कोई दादा हो या बोस, खाऊं बदमाशों का गोश, कोन्या पीऊं जरा सा पानी, मेरा कच्चा हिंदुस्तानी। जवान बालक बुढ़े और जनानी, मेरा कच्चा हिंदुस्तानी। तमाम दे दे पांच रुपया, धरी गोद भर
भरे घनश्याम देते पांच रुपया ओ मेरी मैया। खाई एक बीज ले जाना है भाई, ओए लव में जिसने ठोकर खाई एक बीज ले जाना भाई, उसको प्यार मिलेगा पूरा, नहीं रहे कोई काम अधूरा, तेरी भली करेंगे राम दे दे पांच रुपया, गोद भरे घनश्याम दे दे पांच रुपया रे ओ मेरे भैया। जिसके सिर भारी ओए मदद करे उसकी गिरधारी, संकट हो जिसके सिर भारी मदद करे उसकी गिरधारी, पांच रुपए से कम जो देगा अपना खोवे मेरा के लेगा, खिंचा फिरेगा चाम दे दे पांच रुपया, थारी गोद भरे घनश्याम दे दे पांच रुपया ओ मेरे भैया। बिगड़े काम दे दे पांच रुपया, हरी गोद भरे घनश्याम दे दे पांच रुपया, हरे बन जा बिगड़े काम दे दे पांच रुपया ओ मेरे भैया। कुछ और नहीं तो जान प्रधान जी, प्रधान जी, नानू पहलवान ने चोर दाब रखा। चोर दाब रखा? तो साले उल्टा लटका दी। प्रधान जी, प्रधान जी, कहाँ भाग के जा रहे हो जी? सब कुछ ठीक तो है आपके मुंह में? ठीक के बच्चे, फिर चोर घुसिया घर में। चोर घुसिया है? मुझे बताओ, साले को पकड़ के उल्टा लटका है तुम आपके मुंह में? अरे तो चुप रहा, साले को आज मैं खुद ही देखूंगा। जो देखो प्रधान जी,
क्या तो गोलू जासूस है? अरे भाई मैं तो गोलू जासूस हूँ। प्रधान जी तो गोलू जासूस है, पहलवान ने तो चाले डाल दिए जी आपके मुंह में। अरे छोड़ पहलवान, ये तो हमारा गोलू जासूस है यार। लो प्रधान जी थम अपनी अमानत और हम चले। प्रधान जी दीवार फांद के क्यों आया जी आपके मुंह में? प्रधान जी मैं तो थारी जासूसी कर आया था। यूसो जासूसी करने आया जी, और जो पहलवान पकड़ के इसका तेल काट देता जी आपके मुंह में। रहो कड़वे की औलाद, चुप रहो। और गोल्लू तू आज घेर में ही सो जाइए, नहीं तो कुत्ते ले जाएंगे खींच के गाल में नाड़ा खींच के। चलो जी थारी ऐसी नाड़ा पकड़ के। जासूसी करता? अरे जासूसी के यार काम तो मुझे हैगा बहुत। कौन सा ताश खेल रहे तुम? यू हम खेल रहे लाद। लाद है, दो अत्ती है, तीन दो पांच है, लाद खेल रहे। लाद तो खेल रहे, खेत हम सारे लेंगे। पर तुम्हें इन ताशों के अर्थ का पता कुछ? तुम्हें पता अर्थ का? मैं पता सुन सुनाओ। नुक्या ताश समझ के खेलने लगे पागल दुनिया सारी, और ताश घर का नाल बतावे कहाँ की अकल तुम्हारी। और सुन, बावन पत्ते बावन ज्ञानी ब्रह्म रूप प्रकाश यही, अब प्रेम से बैठो बाट के खाना देता शीशा खास ये। जो ताश समझ के खेलने मूर्ख उसके घर का नाश हुई, और हार जीत का खेल वह सच्चाई इतिहास हुई। जो इन पत्तों का अर्थ लगाए वो खेलने का अधिकारी। अकल तुम्हारी। अरे अकले हमें बता दे रहा, तू बहू का गुलाम है, बहू का पिटता फिरा है। अरे आओ एवा बताऊं, मैं बहू का गुलाम नहीं हूँ, आना मैं पिटता। जी मेरी शकल देखी तो उसकी हा भी खराब हो जा। अरे क्यों झूठ बोल रहा? अरे तू बात छोड़ जा, इनका पत्ते बंटो। अरे तू मेरे घर वाली है, तुझे छेड़ने में के शर्म है? आहो मुझे छेड़ने में के शर्म है? अरे घर वाले के तो तू घर भी नहीं आता, किसका चिपटना है? मेरी माँ कुआरी कन्या के सिर अठन्नी लगा रही। मगर बोला बोला रे, उस दिन गुरखे में मुझे देख के नू सोच रहा कि ये कोई और है, चिपटन को तैयार हो रहा। मगर मैं भी सिद्धी ना हूँ, तेरे नाक में नकेल डाल के तुझे कहीं जॉब करना छोड़ दू। अरे तू मेरा पीछा छोड़, जो कमिश्नर यहाँ अपनी फौज लेकर आएगा नी तो मेरी जान को पंगा हो जाएगा। आहो मैं भी देखूं कि कौन सा हिमायती तेरा यहाँ आएगा, और जैसा तू बावड़ा ऐसा तेरा कमिश्नर बावड़ा। रे मगा गोलू जासूस ते पंगा ना लेना, धक्के खाती फिर 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 फिरेगी। मगा बोला बोला रे, तेरे बस का है भी कुछ? अरे मेरे बस का तो सब सब कुछ है, तू मेरे पे के करवावेगी? जो मैं करवाना चाहूँ करेगा के? क्या खोल लू तेरी पोल? कौन सी पोल खोल देगी तू बता? चल भाभी मैं छोड़ दूँ तन्ने घर। रे भाभी के देते मारे मारे घर वाले को तू छोड़ का क्यों? हम तो मरी गए मरी गए भाई। अरे कान छोड़, मैं कान टूट जाएगा, यूं ही मतलब है तेरा तो? यह भी तोड़ूंगा मैं, तन्ना मेरा खून पिया
नर छोड़ो हमें ते थमती ना मोटो हमें ते थमती ना लंका मान जा घोलू मान जा पर जिस दिन हम बैठे फेरों पे उस दिन ऐसे फाट अड़े इस बुद्धों ने ऐसा छिंक्या नाक में मच्छर आट पड़े के नाक ते रह के लिखल जर सारे बराती पाट पड़े
हमें तै थमती ही ना मोटो हमें तै थमती ही ना जोड़ो हमें तै थमती ना मोटो हमें तै थमती ही ना लंका मान जा जोड़ो हमें तै थमती ना मोटो हमें तै थमती ना जोड़ो हमें तै थमती ना मोटो हमें तै थमती ना रह लंका मान जा टिक खुपी मान राजा दम लगाना होता कल्लू में आजा मार दम मिटा गम कमाएंगे दुनिया खाएंगे हम अरे नूना है और सुल्पा पिए राजा अरे बीड़ी पिए चोर और पान खावे चूतिया थुक्के चलो और भांग का नशा रुक्का सुक्का सब 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 और सुल्पे का नशा तो आज लाल जेम सबा और दारू का नशा तो सिर पे जूत या जेब जेब लगा कब लगा ना माल कहाँ से ले आयो यो भाई मुर्दों की छाती का माल है हाँ भाई बात बोलू हाँ भाई तुझे कुछ काम धंधा क्या अरे अलाक लगा मैं तैयार दुआ दिया तेरी भाभी मुंजी काट दे बरसारी और मैं यहाँ दम लगा रहा आज मेरा पिटाई का धोत खेल का जो है दम तो लगाओ दम Thank you.
ये जो तुम्हारे जो थाने में जो हवलदार आ रहा नया भारत भारत जाट का है वो जाट का भाई उसकी ठंड तारो आज आज इसकी वजह से आर दो बजे डाल और हवल ये जो है बोलू जासूस इससे बच के रहना है चौकस रहना अपना तरीके से चौकस बिल्कुल इंतजाम से रहना है। राम राम जी। राम राम जी। दरोगा साहब कहाँ है? एक काम है दरोगा सर। काम यू है ले झपट्टा मार वहाँ बैठे और तुरंत चलो दरोग बुला के ले चलो और उन्हें गिरफ्तार। साहब कौन है डंडा पकड़ के फिर फोड़ झपट्टा मार के देख का है तुम्हें बच्चे भांग तारे चल हौलदार साहब इंस्पेक्टर साहब इन्हें ले जाओ इन्होंने मेरे पीते खून अब सुनो अब हम बन गए हैं गोलू जासूस। आय अल्लाह मर क्या अमा जरीना बेगम अमा कहाँ हो तुम अमा हमारी तो यहाँ जान से बन रही है तुम पता नहीं कहाँ हो। ओफो क्या बात है क्यों घर को जच्चा बाट बना रखा है। अमा बेगम तुम्हारी कसम तुम्हें क्या बताऊं आज तो हमारी तबीयत बहुत खराब है पांच छह बार सराफत के अब्बू ये बात कोई मैं पहली मर्तबा तो सुन नहीं रही हूँ ये तो तुम्हारा रोज रोज का ड्रामा है। ये कोई अपने बस की बात तो है नहीं बेगम बुढ़ापे में अक्सर तबीयत खराब हो ही जाती है पांच छह बार के सराफत के अब्बू सुबह सुबह तो आपकी तबीयत ठीक थी अब अचानक क्या हो गया। अमा बेगम अपनी जबान को लगाम दो तुम तो सवाल पे सवाल किए जा रही हो। अरे तुम यहाँ बताते क्यों नहीं हम क्या करें। तुम जरा पानी की बदनी भर कर लाना हम जरा पखाने में घूम कर आते हैं। क्यों पखाने में क्या मीना बाजार है क्यों जा रहे हो पखाने में घूमने। नहीं नहीं बेगम कल रात की दावत खा के पूरे दिन पेट में गड़बड़ रही पान चबा के। अच्छा तो ये बात है मैंने सोचा जनाब चूरन के लिए पानी मांग रहे हैं। भाड़ में जाए तेरा चूरन तुम्हें चूरन की पड़ रही मेरे पेट में बम फूट रहे पानी ले जाके। अरे मियाँ ज्यादा खाओगे तो बम नहीं क्या लड्डू फूटेंगे दावत बेगानी थी पेट तो अपना ही था जनाब। अमा बेगम दावत तो सभी खावे पर पेट में गैस बनने की वजह मेरे ही साथ क्यों हुए पांच चबा के। सब खामे हैं पर आपसे कम खामे हैं खाने के नाम तो चंगेरी पर टूट पड़ा हो और काम के नाम खाट पर टूट पड़ा हो। अमा बड़बड़ी करती रहोगी या मेरे दर्द के बारे में भी सोचोगी हाय अल्लाह मर गया। मुझे तो कुछ नहीं सोचना तुमने खाया तुम सोचो और अपनी इस कन्नी को खुद भुगतो। अमा बेगम तुम ये तो सोचो अरे आखिर मैं तुम्हारा सोहर हूँ। Yeah.
बचल मैं तो मरिया, मैं तो मरिया, मैं तो मरिया, हाय अल्लाह मेरे इस पेट में हो रहा हल्ला, हाय अल्लाह मेरे इस पेट में हो रहा हल्ला। ठीक नहीं नियत देखो तेरी है, ठीक नहीं, ठीक नहीं नियत देखो तेरी, बेट अपना न देखे कान पे गोटे टेके, बेट अपना न देखे कान पे गोटे टेके, पापा के हो रहा तू झूठ है, हाय मुल्ला तने क्यों रात खाए रसगुल्ला, हाय मुल्ला तने क्यों रात खाए रसगुल्ला, टेस्टन जगा गया निमित्ते जगा खा गया, टेस्टन जगा गया निमित्ते जगा खा गया, कहा तू मानता ना मानता ना मानता ना, हाय मुल्ला तने क्यों रात खाए रसगुल्ला, हाय मुल्ला तने क्यों रात खाए रसगुल्ला। करती क्यों मेरा मजाक है, हाँ करती क्यों, ओए करती क्यों मेरा मजाक है, पेट में घोड़ा उठे मेरा पोलिंग सा टूटे, पेट में घोड़ा उठे मेरा पोलिंग सा टूटे, लाती ना नींबू की फाक है, हाय अल्लाह मेरे इस पेट में हो रहा हल्ला, हाय अल्लाह मेरे इस पेट में हो रहा हल्ला। कल्लू जी भर के चरा खाने से कोना डरा, कल्लू जी भर के चरा खाने से कोना डरा, बचल मैं तो मरा, मैं तो मरा, मैं तो मरा, हाय अल्लाह मेरे इस पेट में हो रहा हल्ला, हाय अल्लाह तने क्यों रात खाए रसगुल्ला, हाय अल्लाह तने क्यों रात खाए रसगुल्ला, तेरे क्यों भागा भागा मरोड़ा लगा लगा, तेरे क्यों भागा भागा मरोड़ा लगा लगा, कहा तू मानता ना मानता ना मानता ना, हाय अल्लाह तने क्यों रात खाए रसगुल्ला, हाय अल्लाह तने क्यों रात खाए रसगुल्ला। माल था खरा खरा खाए पिन को ना सरा, माल था खरा खरा खाए पिन को ना सरा, बचाले मैं तो मरिया, मैं तो मरिया, मैं तो मरिया, हाय अल्लाह मेरे इस पेट में हो रहा हल्ला, हाय अल्लाह हो रहा, हाय मुल्ला तने क्यों रात खाए रसगुल्ला, हाय अल्लाह मेरे इस पेट में हो रहा हल्ला, हाय मुल्ला तने क्यों रात खाए रसगुल्ला, हाय अल्लाह। मामा जरीना बेगम घर में ये कैसी आवाज आ रही है, लग रहा है कोई चोर घुस आया। अच्छा तुम कह रहे हो तो देखती हूँ। अजी देखो घर में सचमुच का चोर घुसा आया है। अम्मा बेगम कहाँ है चोर, साले की नाक तोड़ के हाथ में देखूंगा। अम्मा बेगम तुम तो कह रही थी चोर है, कहाँ है चोर? अभी तो यही था, अब पता नहीं कहाँ गया। एक बार साला मिल जा उसका सिर फोड़ दूंगा पान चबा के। भाई साहब मेरा सिंधा फोड़ दिए, मेरा सिंधा मेरी बीमारी रो रो छोड़ा। खुदा के कसम तो सचमुच का चोर है, बेगम को जा चंपल से बजा सकते हो। अबे मेरे ही घर का कबाड़ा घटा रहा पान चबा के। अरे कल्लू भाई मेरी तो सुन ले। अबे ना मुराद कल्लू सुनता नहीं सुनाता है। भैया भाग गया साला।
कल्लू कबाड़ी, कल्लू कबाड़ी, कल्लू कबाड़ी है यहाँ पर। कल्लू कबाड़ी है यहाँ पर जी। भाईजान क्या बात है? हम कल्लू कबाड़ी गिरफ्तार करने आए हैं। अल्लाह, क्या हुआ? उन्होंने हीरे जवाहरात की चोरी की जुर्म में। अब क्या बात हुई? अल्लाह के फजल से हम ही हैं कल्लू कबाड़ी। हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं। हम क्यों? आपके झपट्टा मार गिरोह से संबंध है, जो हीरे जवाहरात आपने खरीदे हैं उस सिलसिले में। हम आपको पता नहीं आप किससे बात कर रहे हो। मैं कल्लू कबाड़ी हूँ, मेरी पहुँच ऊपर तक है। ये वर्दी उतारने में मुझे 2 मिनट का समय लगेगा। अजी, वर्दी जब उतरेगी उतरती रहेगी। फिलहाल हम आपको गिरफ्तार करके लेकर चलेंगे। हवलदार, हथकड़ी दो। अच्छा चलो, मैं तुम्हें वहीं देखूंगा। वहीं देख लेना। चलो चलो। अब भाईजान देख लो, मैं कल्लू कबाड़ी कह रहा हूं, कोई बुरा काम मत करना। अगर बुरा काम करोगे तो ये अंजाम होगा। प्रधान जी राम राम। हाँ भाई गोल्लू, राम राम। बैठ। राम राम प्रधान जी, डंडा पकड़ के। हाँ भाई दरोगा जी, बैठो। प्रधान जी, थारी जासूसी करने में और हार के ढूंढने में बड़े बड़े काम करने पड़े, और कई बार तो मुझे अपनी दही तुड़वानी पड़ी नाड़ा पकड़ के। अजी प्रधान जी, तो खुश हो जाओ, इब तो थारा हार मिल गया डंडा पकड़ के। डंडा नहीं, हार पकड़ के गो दरोगा जी। गोल्लू वाकई में तो यार कमाल कर दिया इसने। गोल्लू ने तो पूरे झंडे गाड़ दिए प्रधान जी आपके मुंह में। अरे ओ बोस के बच्चे, या तो तू ही अपना तकिया कलाम बदल दे, नहीं तो तेरे पीछे गोल्लू को लगा दूंगा नाड़ा पकड़ के। रे गोलू जासूस तू, रे जासूसी तो चल रही होगी तेरी। जासूसी चल रही है मेरी फर्स्ट क्लास। अच्छा, यू बड़ा तेरा ही है? यू बच्चा मेरा है, यू ओरिजिनल। ये बच्चे तो कहीं देखने वाला है। अरे तेरे गोलन का यह क्या यू? अरे मेरा बच्चा, मेरा चेहरा मिला, आँख फूट रही। भाई यू बच्चा तेरा नहीं है, यू बच्चा मेरा है। ठीक है, देख यहाँ इस बच्चे की शिकल। अनुज सिंह है कोई हीरो, यू है उसका। रिपोर्ट लिखवा रखी उनने थाने में आ गए। सच सच बता देने तेरी खाल तार दुआ। दरोगा साहब, बात सच सच तो यह है, मैं अपनी जासूसी कहीं घूम कर रहा था, यू बच्चा मुझे चौपड़ी में मिला रोता हुआ। औलाद मेरे थी नहीं, मैं सब आप अपने घरों ले गया। अब हम मियाँ बीबी दोनों पाल रहे थे, अपने दिल का अपना बच्चा हमने मार रखा। भाई देख जासूस साहब, ये तो तुझे देना पड़ेगा बच्चा। वो है मोटी पार्टी, हीरो है हीरो। भाई ये तो देना पड़ेगा तय, थाने में चल चल। Lucky day.
हेलो अजी हीरो अनिल चौधरी बोल रहे के अजी मैं बोल रहा हौलदार ऐसा पैसा है अजी अजी वो थाना बच्चा मिल गया यही बच्चा मेरे बोल रहे थाने में बोलू जो जासूस का थोड़ा था वो आ जाओ तावड़े दो मिनट में आ जाओ जासूस यही बच्चा देना पड़ेगा I'm not going to do it.